रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस हताश की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं, जिसे देखकर आए दिन कांग्रेस के नेतागण स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कांगड़ा चंबा में कांग्रेस के उम्मीदवार पवन काजल ने किशन कपूर के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस हताशा की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं, जिसे देख आए दिन कांग्रेस के नेतागण स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं कांगड़ा चंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार पवन काजल ने किशन कपूर के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। ये बात भाजपा वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। संजय शर्मा ने कहा कि पवन काजल की ना तो कोई विचारधारा है और ना ही वह जनता को समर्पित नेता हैं। वह पहले जिला परिषद का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े और दो मर्तबा जीते, वहीं विधानसभा चुनाव के टिकट पाने के लिए कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर काटते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि एक ट्रैक्टर चलाकर कैसे कोई करोड़पति बन सकता है। कहीं ये राहुल गांधी का वह फार्मूला तो नहीं है जिसमें उन्होंने आलू से सोना बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार काजल ट्रैक्टर चलाकर करोड़पति हो गए और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार किशन कपूर के लोगों की सेवा करते करते एक ट्रक था वह भी बिक गया। कपूर ने जब राजनीति शुरू की थी उस समय उनके पास एक ट्रक था जो समाज सेवा करते करते बिक गया और वह ट्रक तो कपूर को करोड़पति नहीं बना पाया, लेकिन एक ट्रैक्टर ने काजल को करोड़पति बना दिया है। आखिर ये कैसे संभव हो पाया है, इसका जवाब काजल को देना होगा। संजय ने कहा कि सत्ती ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी ने नहीं कहा, खुद राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि अगर मुझे पप्पू भी कहा जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के उम्मीदवार पवन काजल कुछ दिनों से एक अपील लोगों के आगे मार्मिक अपील कर रहे हैं कि मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूं, ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर चलाते चलाते राजनीति में आए और चलो वो एक अलग विषय है, लेकिन कांगड़ा और चंबा के लोग जानना चाहते हैं क्योंकि इन इलाकों के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैक्टर के चालक भी हैं, मालिक भी हैं, वो भी इस फार्मूले को जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी ट्रैक्टर चलाते चलाते कोई करोड़पति कैसे बन गया कि करोड़ों की संपत्तियां बन जाएं, करोड़ों रुपए जो है वो लाखों रुपए आपके बैंक में भी आ जाएं, आपके परिवार के खातों में भी लाखों रुपए आ जाएं। तो इन चीजों को लोग समझना चाहते हैं कि वो फार्मूला जो हो आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि वो बताएं कि कैसे, क्योंकि हमें तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं किशन कपूर जी 1985 से पहले राजनीति में आए थे, 1985 में पहला चुनाव लड़ा, चुनाव के समय उनके पास एक ट्रक होता था और राजनीति में सेवा करते करते उनका वो ट्रक भी बिक गया और यहाँ ट्रैक्टर से जो है वो करोड़पति बन गए। आखिर ये कौन सा फार्मूला है, कहीं ये राहुल गांधी वाला आलू से सोने वाला फार्मूला तो नहीं है? तो जनता जानना चाहती है और उनके उम्मीदवार को बताना चाहिए। वो करोड़पति उनके वो खानदानी वो हैं, उनके पास जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तो ट्रक चालक या ट्रैक्टर, उनके दादाजी जो थे अंग्रेजों के समय के, उस समय के ये रेलवे लाइन जब बिछरी थी उस समय के वो ठेकेदार थे उसके, और उस समय उनके खानदानी वो हैं, उनके पिताजी के अपने वो थे, उनकी स्लेट की खदाने हैं थी, तो उनके पास उनकी पत्नी जो है 1995 के करीब से जो है वो स्कूल लेक्चरर है, उनके खाते में पैसा दिखे तो समझ आता है कि कहां से आ रहा है, लेकिन इनके पास कहां से आया, वो फार्मूला जो है वो लोग जानना चाहते हैं।